शुभ प्रभात विद्यार्थी। तो 2014 सीबीएसई 2014 में समास के जो दूसरा रूप पूछा गया था कि निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समासों के नाम। इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने समस्त पद का उसका विग्रह करना था और उसके भेद के नाम बनाने थे। तो दूसरा जो तरीका जो पूछा जाता है वह विग्रह किए गए शब्द लिए जाते हैं, उसका समस्त पद बनाना होता है और उसका नाम आपको लिखना होता है। तो पहला जैसे है रसोई वाला घर, इसको हम क्या कहेंगे? रसोई घर। क्या कहेंगे? रसोई घर। रसोई घर इसमें कारक नहीं दिया पर रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला है तप है धन जिसका, अर्थात तपस्वी के लिए है, थर्ड पर्सन, ये आ जाएगा तपोधन। तपोधन यह है तपोधन, तपस्वी के लिए, तपस्वी का ही जो धन है वो तपोधन कहलाता है, यह हो जाएगा बहुव्रीही समास। अगला है बिना खटक, अरे परेशानी के, बेखटके, 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 बे जो हो जाएगा वह अव्यय है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। भाव समस। अगला है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश के लिए कहा गया है, थर्ड पर्सन, तो यह हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर गणेश को कहते हैं, ये थर्ड, तीसरे पद का विशेष हो रहा है, यह हो जाएगा बहुव्रीही समस। बहुव्रीही समास। चक्र को धारण करता है जो, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण, तो चक्रधर। यह भी आपका बहुव्रीही समास होगा। समास होगा। अगला है रसोई के लिए घर, इसी तरह शब्द होगा रसोई घर। तो उसका भेद होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। अगला प्रश्न है पीत है जो अंबर, तो शब्द बनेगा क्या बनेगा विद्यार्थी? है जो लगा है तो कर्ता है समास होगा, तो शब्द बनेगा पीतांबर। पीत है जो अंबर, शब्द बनेगा पीतांबर, यह हो जाएगा कर्मधारय समास। समास। अगला है चार मासों का समाह, समाहार या समूह लगता है तो द्विगु समास में चार मास, चौमासा। चार मासों का समूह चौमासा, अर्थात यह होगा आपका द्विगु समास। अगला है पढ़ाने पढ़ने की शाला, पढ़ाने पढ़ने की शाला, अर्थात उसका हो जाएगा पाठशाला। पाठशाला वह हो जाएगा
तत्पुरुष समास। अगला है तीन भुजाओं का समाह, समाहार तो द्विगुण में होगा, तीन भुजा ये हो जाएगा त्रिभुज। ये हो जाएगा द्विगुण। इस प्रकार विद्यार्थी आपकी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक, व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में सीबीएसई 2014 के जो प्रश्न थे उस प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से हल किया। अभ्यास में पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर इसी प्रकार लिखेंगे। धन्यवाद।